वहीं बुरहानपुर जिले में दो दिवसीय केला हल्दी फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। वहीं इस आयोजन को लेकर कलेक्टर भव्या मित्तल के प्रेस वार्ता आयोजित की। आयोजित प्रेस वार्ता में कलेक्टर भव्य मित्तल ने बताया कि केले और केले से बने उत्पादों को जिला प्रशासन देश भर में पहचान दिलाना चाहता है, जिसके तहत विभिन्न विभागों के साथ मिलकर 20 और 21 फरवरी को केला हल्दी फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य बाहरी इन्वेस्टमेंट से बुरहानपुर को केला हब के रूप में देश भर में पहचान दिलाना है। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि इस आयोजन में कई कंपनियां, विभिन्न राज्यों से एक्सपर्ट और साइंटिस्ट भी शामिल होंगे। इसके साथ ही इन्वेस्टमेंट के लिए कई कंपनियों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें 100 से ज्यादा प्रतिभागियों ने रजिस्ट्रेशन भी कराए हैं। बुरहानपुर से गोपाल देवकर की रिपोर्ट। बुरहानपुर जिले में हम दो दिवसीय बनाना फेस्टिवल कर रहे हैं, जिसमें हमने केला हल्दी महोत्सव में ODOP के रूप में बनाना को हम प्रमोट करना चाह रहे हैं, और उसमें हमारे एक्सपर्ट सेशन रहेंगे, बायर सेलर मीट रहेगी, साथ साथ में एग्जीबिशंस होंगे, केला आनंद मेला होगा और कल्चरल प्रोग्राम्स और हेरिटेज वॉक भी रहेगी, जिसमें हम बुरहानपुर को एक टूरिस्ट पोजीशन टूरिस्ट स्पॉट के रूप में भी प्रमोट करेंगे। नेशनल और राज्य स्तर से भी कोई इसमें सहयोग मिल रहा है? बिल्कुल, हमें स्टेट से वेरियस डिपार्टमेंट्स का सहयोग इसमें मिला है, जैसे MSME डिपार्टमेंट, MPIDC, MPIP, IPIP और एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, साथ साथ में टूरिज्म डिपार्टमेंट ने भी हमको इसमें सहयोग दिया है।